क्या सीन है। वंस मोर। अब अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सेक्स मीटिंग करो या फिर बेफालतू की उसे चुम्मिया दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो रुको जरा, सबर करो। हेलो फ्रेंड्स, तुम्हारा भाई लेकर के एक बार फिर से नहीं कमाल का ट्रेंडिंग भोजपुरी डीजे सॉन्ग की स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके। तो दोस्तों, आपने जो स्टेटस देखा है प्रीव्यू में, इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है लाइट मोशन, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। अगर आपको विदाउट वाटर मार्क वाला डाउनलोड करना है तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, उसे देखकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज होने वाला है, फोटो एंड वीडियो, तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर अपनी फोटो को लगाकर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक सॉन्ग बीट मारा, दूसरा से कि फेक नाम का दो लिंक मिल जाएगा, उसे आपको इनपुट कर लेना है अपने लाइट मोशन में। आप उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक इनपुट हो जाएगा लाइट मोशन में, तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना है। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये रहा हमारे सॉन्ग का बीट। तो दोस्तों, बीट के हिसाब से हमें फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों, फोटो को ऐड करने के लिए हमें फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आ जाने के बाद दोस्तों, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद दोस्तों, ये जो बॉक्स है इसके नीचे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, फोल्डर ओपन हो जाने के बाद दोस्तों, आप जिस भी फोल्डर में फोटो को रखें उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं इस फोल्डर में फोटो को रखा हूँ, तो इस फोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, हमारी फोटो ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों, आप कोई भी फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम फोटो को सेलेक्ट कर लेने के बाद इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन इरेज पर क्लिक करके एक बार तीर के आइकन पर क्लिक कर देना है, और बचे हुए भाग को कट कर देना है। तो दोस्तों, हमारी फोटो ऐड हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरी फोटो को ऐड करने के लिए फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद दोस्तों, कोई भी दूसरी फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन इरेज पर क्लिक करके एक बार तीर के आइकन पर क्लिक कर देना है, और बचे हुए भाग को कट कर देना है। तो दोस्तों, दूसरी फोटो ऐड हो चुकी है। तो दोस्तों, इसी तरीका से हमें सभी बीट पर फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों, चलिए हम जल्दी से इसी तरीका सभी बीट पर फोटो को ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने सभी बीट के हिसाब से फोटो को ऐड कर लिया है। आप भी इसी तरीका सभी बीट के हिसाब से फोटो को ऐड कर लीजिएगा। फोटो ऐड हो जाने के बाद दोस्तों, हमें इन फोटो पर इफेक्ट लगाना है। तो दोस्तों, इफेक्ट लगाने के लिए हमें एक बार बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। सेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये रहा एक नंबर इफेक्ट। तो दोस्तों, एक नंबर इफेक्ट को कॉपी करने के लिए इस फोटो पर क्लिक कर देना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना। कॉपी इफेक्ट करने के बाद दोस्तों, बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना है। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, जहां जहां पर ये एक नंबर लिखा है वहीं वहीं पर हमें एक नंबर इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो दोस्तों, यहां पर एक नंबर इफेक्ट लिखा है। तो दोस्तों, एक नंबर इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, एक नंबर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीका से जहां पर भी एक नंबर लिखा होगा वहां पर एक नंबर इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहां पर भी करके दिखा रहा हूं। तो दोस्तों, फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, एक नंबर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि और आगे भी हम जाते हैं, एक नंबर कहाँ पर लिखा है तो दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों, एक नंबर हम देख लेते हैं कहाँ पर लिखा है। तो दोस्तों, एक नंबर यहाँ पर भी लिखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी एक नंबर इफेक्ट ऐड होगा। तो दोस्तों, एक नंबर इफेक्ट को ऐड करने के लिए हमें इस तरीका से फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, एक नंबर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। इसी तरीका से हमें दो नंबर इफेक्ट को कॉपी करने के लिए बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। सेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये रहा दो नंबर इफेक्ट। दोस्तों, दो नंबर इफेक्ट को कॉपी करने के लिए इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद दोस्तों, हमें बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना है। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां से दो नंबर इफेक्ट ऐड होगा। तो दोस्तों, दो नंबर इफेक्ट को ऐड करने के लिए जैसे कि जहां जहां पर दो नंबर लिखा है वहां पर हमें दो नंबर इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। तो दोस्तों, दो नंबर इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, दो नंबर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं और दो नंबर कहाँ पर इफेक्ट लगने वाला है। तो दोस्तों, दो नंबर इफेक्ट यहाँ पर भी लगेगा। तो दो नंबर इफेक्ट लगाने के लिए हमें इस तरीका से
फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट पे कर देना है, तो दोस्तों दो नंबर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीका से आपको देख लेना है, जहां तक दो नंबर लिखा होगा वहीं वहीं पर हमें दो नंबर इफेक्ट को भी पेस्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमें तीन नंबर इफेक्ट को कॉपी करने के लिए बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। सेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये रहा तीन नंबर इफेक्ट। दोस्तों तीन नंबर इफेक्ट को कॉपी करने के लिए इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद दोस्तों बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना है। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें इस तरीके से देख लेना है तीन नंबर इफेक्ट कहां कहां पर लगेगा। जैसे कि दोस्तों जहां जहां पर तीन नंबर लिखा है वहीं वहीं पर हमें तीन नंबर इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। तो दोस्तों तीन नंबर यहां पर लिखा है तो दोस्तों यहां पर हमें तीन नंबर इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए फोटो पर क्लिक कर देना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों तीन नंबर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से हमें आगे की ओर भी देख लेना है, जहां जहां पर तीन नंबर है वहीं वहीं पर हमें तीन नंबर इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो दोस्तों फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों तीन नंबर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीका से आपको जहां जहां पर तीन नंबर लिखा होगा वहीं वहीं पर तीन नंबर इफेक्ट को पेस्ट करना है। जैसे कि यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा है। तो दोस्तों ये आपको इसी तरीका से इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों तीन नंबर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीका से जहां जहां पर तीन नंबर लिखा होगा वहीं वहीं पर तीन नंबर इफेक्ट को ऐड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमें चार नंबर इफेक्ट को कॉपी करना है। तो दोस्तों बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। सेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये रहा चार नंबर इफेक्ट। तो दोस्तों चार नंबर इफेक्ट कॉपी करने के लिए फोटो पर क्लिक कर देना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना है। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके आगे की ओर आ जाना है और देख लेना है चार नंबर इफेक्ट कहाँ कहाँ पर ऐड होगा। तो दोस्तों चार नंबर इफेक्ट यहाँ पर दो फोटो पर ऐड होगा। तो दोस्तों चार नंबर इफेक्ट को ऐड करने के लिए फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों चार नंबर इफेक्ट एक फोटो पर ऐड होगा। इसी तरीके से दूसरी फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों दूसरी फोटो पर भी चार नंबर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको देख लेना है जहाँ जहाँ पर चार नंबर लिखा है, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, तो आपको देखकर चार नंबर इफेक्ट को ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर भी करके दिखा रहा हूँ, फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों चार नंबर इफेक्ट को आपको ऐड कर लेना है, क्योंकि दोस्तों मैं सभी फोटो पर इफेक्ट को ऐड करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी तरीके से मैं सभी फोटो पर इफेक्ट को ऐड करके नहीं दिखा रहा हूँ, एक दो फोटो पर इफेक्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों पांच नंबर इफेक्ट को कॉपी करने के लिए बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। सेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यार आ रहा पांच नंबर इफेक्ट। दोस्तों पांच नंबर इफेक्ट को कॉपी करने के लिए इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद दोस्तों बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना है। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके आगे की ओर आ जाना है। आगे की ओर आ जाने के बाद दोस्तों हमें देख लेना है पांच नंबर इफेक्ट कहां से ऐड होगा। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं पांच नंबर इफेक्ट कहां से ऐड होगा। तो दोस्तों पांच नंबर इफेक्ट यहां से ऐड होगा। तो दोस्तों पांच नंबर इफेक्ट को ऐड करने के लिए हमें इस तरीके से फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों हमारा पांच नंबर इफेक्ट एक फोटो पर ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों पांच नंबर इफेक्ट दूसरी फोटो पर भी ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से हमें पांच नंबर इफेक्ट यहाँ तक ऐड होगा। तो दोस्तों हमें पांच नंबर इफेक्ट को यहाँ तक ऐड करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर करके आपको दिखा रहा हूँ। फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों पांच नंबर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से इन सभी फोटो पर पांच नंबर इफेक्ट को ऐड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमें बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। सेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये रहा छह नंबर इफेक्ट। तो दोस्तों छह नंबर इफेक्ट को कॉपी करने के लिए फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद दोस्तों बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना है। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके आगे की ओर आ जाना है और देख लेना है छह नंबर इफेक्ट कहाँ से ऐड होगा। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं छह नंबर इफेक्ट कहाँ से ऐड होगा। तो दोस्तों छह नंबर इफेक्ट यहाँ से ऐड होगा। तो दोस्तों छह नंबर इफेक्ट को ऐड करने के लिए हमें इस तरीके से ऊपर की ओर आ जाना है और फोटो पर क्लिक करना है इस तरीके से। इसके बाद इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों छह नंबर इफेक्ट ऐड हो जाएगा पहली फोटो पर। इसी तरीके से दूसरी फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों छह नंबर इफेक्ट दूसरी फोटो पर भी ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें लास्ट तक छह नंबर इफेक्ट को ऐड करना है। तो दोस्तों हम लास्ट में करके आपको दिखा रहा हूँ। इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों छह नंबर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको इन सभी फोटो पर छह नंबर
इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो दोस्तों 6 नंबर इफेक्ट ऐड कर लेने के बाद दोस्तों हमें इस फोटो पर कलर इफेक्ट लगाना है। तो दोस्तों कलर इफेक्ट लगाने के लिए हमें एक बार बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सेटिंग पर क्लिक कर देना है और ये जो ग्रुप है तो दोस्तों इस पर हमें इस तरीका से यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है। कॉपी लेयर करने के बाद दोस्तों हमें बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों हमें सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना है। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद पेस्ट लेयर कर देना है। तो दोस्तों हमारा ये लाइनिंग वाला जो कलर इफेक्ट है तो हमारा ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों ऐड हो जाने के बाद दोस्तों हमें इस तरीका लास्ट में आ जाने के बाद दोस्तों हमें इस लास्ट के बीट पर आ जाना है। और बीट पर आ जाने के बाद दोस्तों हमें इस ग्रुप पर क्लिक कर देना है। ग्रुप पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें ये जो टाइमिंग है तो इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारा जो ये कलर लाइनिंग का इफेक्ट है तो एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एडजस्ट हो जाने के बाद दोस्तों हमारा वीडियो बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको एक और इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका वीडियो सेव हो जाएगा एंड गैलरी में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के पास भेज देना। और दोस्तों आपको अगर कोई भी डीजे सॉन्ग पर डीजे स्टेटस बनवाना है तो हमारे इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।